नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हमने आपको बताया था कल के खबर में कि कैसे उग्रवादियों की पोस्टर जो है वो चौक चौराहे पे लगने शुरू हो गए थे रांची में। राज्यपाल रमेश बैस ने ये सलाह दिया था कि आप ऐसे काम करिए, यूपी में जो योगी मॉडल है उनके अनुसार आप झारखंड में भी पोस्टर लगवाइए। पोस्टर लग के तैयार हो चुकी थी, एसएसपी का निर्देश भी आ चुका था, लेकिन 2 घंटे के अंदर जेएमएम ने हस्तक्षेप किया और पोस्टर सड़क से हो गए गायब। जी हाँ, सड़क से गायब क्या हुए, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हमने आपको कल बताया था कि जेएमएम जो है वो पूरी तरीके से खुश नहीं था, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन अब जो एक और नया मोड़ आ रहा है, यहाँ पे एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन हेड राजीव एनोस एक्का ने लेटर भेज दिया है, जवाब मांगा है सुरेंद्र कुमार झा से। उन्होंने कहा है कि आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जब यूपी में सीएए को लेकर प्रदर्शन हो रहा था और उसमें भी इस तरह की चीज़ें, ये पोस्टर देखने को मिला था यूपी के चौक चौराहे में, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत निर्देश दिया था जिसकी पीआईएल संख्या नंबर 532/2020 है। इसके अनुसार आपको किसी भी इंसान का पोस्टर इस तरीके से नहीं लगाना है, निजी जानकारी को इस तरीके से सार्वजनिक नहीं करना है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 जी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। इस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे सिरे से नकारा था और इसी का तर्क लेकर राजीव एनोसेका ने पूरा का पूरा लेटर सुरेंद्र कुमार झा को हाथ में थमा दिया है और कहा है कि आप ये पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। जी हाँ, सुरेंद्र कुमार झा यहाँ पे घिरते नजर आ रहे हैं। भाई, उन्होंने तो सिर्फ सलाह मानी थी राज्यपाल की, क्योंकि राज्यपाल ने एसएसपी को और साथ ही डीआईजी को तलब किया था, सिटी एसपी को तलब किया था और उनसे सारे जवाब मांगे थे कि आपने रबर बुलेट क्यों नहीं यूज़ किया, आपने वाटर टैंक क्यों नहीं यूज़ किया, अच्छे खासे। और सारे लगभग सवाल पर, जैसा हमने बताया सूत्रों के हवाले से, कि सारे अधिकारी चुप रहे, खासकर सुरेंद्र कुमार झा। अब सुरेंद्र कुमार झा की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनसे जवाब मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है तुरंत इसमें जवाब चाहिए, साफ तौर पर दोषी ठहराया गया सुरेंद्र कुमार झा को। कहा गया कि एसएसपी ने पूरा गलत किया, उन्हें कानून और इन सब की जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ राज्यपाल ने सलाह दे दिया और आपने पोस्टर टांग दिया। ये कहां का रूल है? एसएसपी बहुत वरीय पुलिस अधीक्षक, बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन लौदा होता है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद आपसे नहीं थी। इस तरह की लेटर में बात लिखी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुरेंद्र कुमार झा यानी कि एसएसपी से क्या रिटर्निंग लेटर आता है, उनका जवाब क्या होता है। लेकिन अब इस मामले के बाद देखा जा सकता है कि राजभवन, ये राज्यपाल और जो सरकार के बीच में तनातनी जो है वो बढ़ सकती है। जहां एक ओर राज्यपाल जो है ऐसा जेएमएम कहते हैं कि कल हमने आपको एक दिखाया था बयान भी, जिसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सरकार चलाता कौन है, सरकार सीएम चलाता है या राज्यपाल चलाते हैं। सरकार का चलाना सीएम का काम है, राज्यपाल का वहाँ काम है जहाँ पे बहुत इमरजेंसी हो, लेकिन यहाँ पे हर बात पे हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंटर के इशारे पर भी राज्यपाल कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं जिसको सिरे से हम नकारते हैं, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था। तो इस तरीके से राज्यपाल और सीएम के बीच और खासकर सरकार के बीच जो तनातनी इसमें दिन पे दिन खिंचती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि महामहिम का जो ये महामहिम ऑर्डर और सलाह था, इसको सरकार लास्ट में मानती है या नहीं, या फिर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को सरकार के सामने सर झुकाना पड़ता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा और सारे अपडेट हम आपको जीएन भारत में पोस्टर विवाद में लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।